नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट 02। आज के वीडियो का टॉपिक है सावर जेल के बारे में। सावर जेल आप किस तरह बना सकते हो और इसे मार्केट में किस तरह बेच सकते हो और घर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सावर जेल जो है आपको नहाने वगैरह में काम आते हैं। साबुन और सोप जो इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो सावर जेल को। सावर जेल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं पहले बता देता हूँ आपको। एसएलएस कोकोडाइल, एसएलएस जो है आपको पता ही होगा, एसएलएस जो है आपके टूथपेस्ट में, शैम्पू में, हैंड वॉश में, फ्लोर क्लीनर में, ग्लास क्लीनर में, हर जगह इस्तेमाल होने वाला चीज़ है। एक ये फोम बूस्टर और थिकनेस प्रोवाइडर है। एक्स्ट्रा फोम बूस्टिंग के लिए सावर जेल में जरूरी है कोकोडाइल एथेमाइन। कोकोडाइल एथेमाइन जो है एक्स्ट्रा को फोम बूस्टिंग का काम करता है, ये बहुत ज़्यादा फोम बूस्टिंग करता है। उसके बाद आपको लेना है परफ्यूम, उसके सुगंध के लिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है मॉइस्चराइजिंग का काम करता है तो उसे यूज़ करना ही करना है। कलर, फिनिश, टच अच्छा आपका प्रोडक्ट दिखे इस वजह से कलर यूज़ किया जाता है, इसे वाटर बेस्ड कलर यूज़ करना है। और विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में आपको पता ही होगा कि विटामिन ए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उससे हमारे बॉडी, हमारे स्किन को बहुत फ़ायदे मिलते हैं जो बादाम वगैरह में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट को आपको प्रिजर्व करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो इसके अंदर आपको डालना है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सोराबेट। मैं इसका स्पेलिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और इसके कितने क्वांटिटी लगेंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक देने की कोशिश करें। आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, फुल फॉर्मुलेशन जो है, क्योंकि अगर आधे अधूरे पे छोड़ते तो फॉर्मुलेशन आपका क्लियर नहीं होता, तो इसको पूरा देखिएगा। लेना है एसएलएस, एसएलएस में यूज़ कर देना है कोकोडाइल, ठीक है। कोकोडाइल यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, परफ्यूम लेना है। परफ्यूम लेके परफ्यूम ऐड कर लीजिए, ठीक है। परफ्यूम आपका ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, नया दूसरा आइटम जो है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको इसके बॉडी पे जो भी बॉडी पे यूज़ होता है उस पर ये मॉइस्चराइजिंग का काम जरूर करता है, तो ग्लिसरीन यूज़ कर लीजिए। ग्लिसरीन के बाद आपको क्या लेना है, कलर। आपको प्रोडक्ट को अच्छा लुक देने के लिए कलर बहुत ज़रूरी है, वाटर बेस्ड कलर लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है विटामिन ए, विटामिन ए लेके उसे मिक्स कर लीजिए। आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, अभी देखिए कितना गाढ़ा होगा। आपको जिस थिकनेस की रिक्वायरमेंट थी वो थिकनेस इसमें मिल जाएगा आपको। देखिए इसका थिकनेस देख लीजिए, देख सकते हैं आप इसका थिकनेस, इसका थिकनेस बहुत ही बढ़िया आया है। तो अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक कैन की ज़रूरत होती है, आधा लीटर कैन की जो है, 200 ml की कैन की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैन जो है आपके लोकली मार्केट से मिल जाते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करते हो तो वहाँ से भी मिल जाते हैं। आपको इसमें इसको डालना है, अपना लेबल लगाना है और मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ देना है। आप घर पर यूज़ करिए, दो लोग को और दीजिए, उसको यूज़ करने के लिए कहिए, इसका रिजल्ट क्या है वो सब बताएंगे, उसके बाद आप मार्केट में बेचिएगा। तो इसमें भी अच्छी खासी मार्जिन मिलेगी, नया प्रोडक्ट है। लाइसेंस के लिए गुमस्ता लाइसेंस जो कहा जाता है महानगर पालिका से, जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है आपके बिजनेस का, वो लेना है। और उसके साथ साथ आपको GST नंबर लेना है। ये बॉडी पे यूज़ होने वाली चीज़ है तो इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, लाइसेंस इसमें ज़रूरी है। और ये घर पे भी यूज़ कर सकते हो, साबुन की जगह पे सोप में कास्टिक सोडे होते हैं तो आप कास्टिक सोडे को अवॉइड करके इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये उससे ज़्यादा लाभ करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए नमस्कार।